Hey, what's up guys, Anuj here and welcome to DSA-One course. और आज की वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बाइनरी सर्च के ऊपर, विच इज फाइंड एन एलिमेंट इन एन इनफाइनाइट सॉर्टेड एरे. कि आपको एक इनफाइनाइट सॉर्टेड एरे दे रखा है, ठीक है. इस एरे की आपको लेंथ नहीं पता कि इस एरे के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है. उसके अंदर आपको एक एलिमेंट फाइंड करना है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है. इससे पहले हमने बाइनरी सर्च देखा था. बाइनरी सर्च के अंदर आपको पता होगा लो और हाई दो इंडेक्स हमारे पास होते थे हमेशा. यहाँ पे आपके पास लो इंडेक्स तो है जीरो, हाई इंडेक्स का आपको पता नहीं कितने हैं. तो इंटरव्यूज के अंदर वो आपको बोल देंगे कि आपको एक बहुत ही बड़ा एरे दे रखा है, उसके अंदर हम आपको नहीं बता रहे कितना उसका हाइट है, मतलब उसका कितना लेंथ है, और आपको उसके अंदर के एक एलिमेंट फाइंड करना है. और अब यह बोलोगे कि भैया ठीक है, ये अगर हमारे पास कोई ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के अंदर आएगा तो कैसे होगा. ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के अंदर तो हम एरे डॉट लेंथ करके निकाल लेंगे, या फिर वेक्टर यूज करें वेक्टर डॉट साइज करके निकाल लेंगे, ठीक है. पाइथन करें तो लेंथ करके निकाल लेंगे. तो उस केस के अंदर क्या करते हैं कई बार कि आपको जो एरे दे रखा है उसका साइज बहुत बड़ा कर देंगे, ठीक है. आपको सपोज करो बहुत ही सारे नंबर हैं, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर्स हैं उसके अंदर, और आपको जो एलिमेंट फाइंड करना वो कहीं इस साइड है, बहुत ही ज़्यादा लेफ्ट साइड है. तो उसके अंदर अगर आप एक नॉर्मल बाइनरी सर्च करोगे तो वो TLE थ्रो कर देंगे. इस टाइप के वो कंस्ट्रेंट बना देंगे कि अगर इस तरीके से अगर आप एक नॉर्मल बाइनरी सर्च करने का वहाँ पर ट्राई करोगे, ठीक है, ज़्यादा होशियार बनने का ट्राई करोगे तो आपको वहाँ पर TLE थ्रो कर देंगे, एलिमेंट थोड़ा इस साइड रख देंगे. तो एक ऐसा तरीका हमें ढूंढना है जिससे कि हम इसे कर सकें लॉग एन टाइम के अंदर ही, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना राइट इंडेक्स का पता लगाए. तो कैसे कर सकते हैं जरा सोचो. तो इसको करने के सबसे पहले तो ब्रूट फोर्स से करना ही होता है. मैं चाहे मैं पता ऑप्टिमाइज भी कौन सा, लेकिन फिर भी ब्रूट फोर्स से करना जरूरी है. तो ब्रूट फोर्स से कैसे करेंगे, एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे, चेक करते हैं कि एलिमेंट ये वाला है कि नहीं है. तो हमने इसके साथ चेक किया, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है. फाइनली हमें 58 मिल गया और हम बोलेंगे ठीक है 58 आंसर है. अगर 58 से बड़ा नंबर मिल गया और 58 से बड़ा नंबर मिल गया हमें पहले, तो इसका मतलब 58 परसेंट ही नहीं है. सपोज करो हमें 60 ढूंढना था, 60 यहाँ पर है ही नहीं, 58 मिला, 72 मिला, 60 है ही नहीं इसका मतलब, क्योंकि 60 होता तो इन दोनों के बीच में कहीं होता, इसका मतलब 60 नहीं है, तो माइनस वन रिटर्न कर देंगे. तो ये तो आपकी लीनियर अप्रोच हो गई, और इस लीनियर अप्रोच के अंदर आपका दिख रहा होगा बिग ओ ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. इसको हमें करना है लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ. तो जरा देखते हैं कैसे करेंगे. तो बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पर लो और हाई पता ही नहीं है. तो लो और हाई पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका जो सोच सकते हैं वो ये कि ऐसा करते हैं कुछ कुछ रेंज ऑफ नंबर्स लेके चलते हैं, कि अगर इस रेंज में नंबर प्रेजेंट है तो ठीक है, वरना अगली रेंज में चेक करो. इस रेंज में प्रेजेंट है तो ठीक है, वरना अगली रेंज में चेक करो, अगली रेंज में चेक करो, ठीक है. तो ये जो रेंज है, रेंज वाले फंडे के साथ हम कर सकते हैं, और इस रेंज की जो लेंथ है वो यहाँ पर हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट लेंथ है. सपोज करो इस एग्जांपल के लिए जो कांस्टेंट है वो है 2, मतलब 2-2 के गैप में चेक कर रहा हूँ मैं. तो 1 के साथ चेक किया मैंने, क्या 158 से बड़ा है, नहीं 158 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब आगे एलिमेंट कोई प्रेजेंट हो सकता है 58. तो अब मैं 3 पर नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा करता हूँ मैं 7 पर जाता हूँ, ठीक है, 7 पर जाता हूँ. क्या 758 से बड़ा है, नहीं 758 से बड़ा नहीं, तो मतलब 58 हो सकता है आगे प्रेजेंट हो. तो अगेन मैं 2 का गैप लूँगा, यहाँ पर 12 पर जाऊँगा. क्या 1258 से बड़ा है, नहीं 1258 से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब अगेन आगे प्रेजेंट हो सकता है. तो मैं 2 का गैप लूँगा. क्या 72 बड़ा है 58 से, हाँ 72 58 से बड़ा है, इसका मतलब जो एलिमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में कहीं है, ठीक है, 12 से 72 के बीच में कहीं है. तो यहाँ पर तो क्योंकि मैंने जो कांस्टेंट लिया था वो 2 लिया था, इसका मतलब एलिमेंट यहीं पर मेरे को मिल गया. लेकिन यहाँ पर अगर मिलियंस ऑफ नंबर्स होंगे तो आप यहाँ पर इस कांस्टेंट के साथ खेल सकते हो, कि कांस्टेंट आपने 2 ना रख के 200 रख दिया, राइट. मैंने आपको बोल दिया था कि सपोज करो 10^6 नंबर्स हैं, तो आप वहाँ पर कैसे करोगे इसे. तो आप बोलोगे 2-2 का लेके चलेंगे, तो अगेन वहीं पर बिग ऑफ एन ही हो गया ये. तो ऐसा करते हैं 200-200 का लेके चलते हैं, थोड़ा कम तो होगा. थोड़ा सा कम कैसे होगा, बिग ऑफ एन बाय के इज स्टिल बिग ऑफ एन ना, क्योंकि बिग ओ जो होता है वो आपका बड़े बड़े नंबर्स के साथ खेलता है. अगर मैं आपको मिलियन नंबर्स के लिए बोलता हूँ कि आप ऐसा करो 5,000 के गैप लेके चलो, लेकिन स्टिल वो आपका बिग ऑफ एन ही माना जाएगा. आप 5,000 के गैप्स ले रहे हो, लेकिन एक बड़ी रेंज के लिए सपोज करो बिलियंस ऑफ नंबर्स के लिए वो अगेन बहुत ही छोटी रेंज है. आप जितने भी नंबर बोलोगे, मैं इन्फिनाइट है ना यहाँ पे, तो मैं आपको उतने ही ज़्यादा नंबर बोल दूंगा. तो बिग ऑफ एन ही जा रहा है अगेन, राइट. अगर आप 500 का गैप लेके भी आगे बढ़ते हो तो भी आपका वो बिग ऑफ एन ही माना जाता है. तो हम इसे कैसे कर सकते हैं लॉग एन के अंदर, कैसे कर सकते हैं लॉग एन के अंदर, अगेन चलना इस रेंज वाले के फंडे के साथ ही है, क्योंकि रेंज वाले फंडे के अंदर ही हम लगा पाते हैं बाइनरी सर्च, जब हमें लो और हाई पता होता है. तो इस रेंज को किस तरीके से फिर हम उस बिग ऑफ लॉग एन के अंदर ले आ सकते हैं, जरा वो सोचो, ठीक है. एक बार जरा पॉज करो यहाँ पे. इसके अंदर हम इसे लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करने वाले हैं, इसका मतलब लॉगरिथमिक करने वाले हैं, तो इसका मतलब कुछ तो बाइनरी लगेगा इसके अंदर, ठीक है, कुछ तो बाइनरी सर्च वाला फंडा लगेगा इसके अंदर. तो जरा सोचो किस तरीके से इस रेंज के साथ हम छेड़खानी कर सकते हैं, सो दैट ये वाला जो क्वेश्चन है वो बिग ऑफ एन में ना जाके बिग ऑफ लॉग एन में जाए, सोचो. अच्छा, तो अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर आप लोग नहीं सोच पाए तो भी टेंशन मत लो, मैं आपको बताने वाला हूँ अच्छे से कि कैसे आप इसे कर सकते हो लॉग एन टाइम के अंदर. तो फंडा छुपा हुआ है इस रेंज के अंदर, फंडा छुपा हुआ है इस रेंज के अंदर जो अभी है कांस्टेंट. अगर हम कांस्टेंट रेंज ना करके एक्सपोनेंशियल रेंज कर दें तो हमारा काम लॉग एन के अंदर हो सकता है,
ठीक है, एक्सपोनेंशियल रेंज अगर हमने कर दी, एक्सपोनेंशियल रेंज मतलब हर बार आप अपनी रेंज को 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ एक्सपोनेंशियली, अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ रही होती है। कैसे, पहले हम 2 की रेंज रख रहे थे, 4 की रेंज रख रहे थे, राइट, कभी आप हो सकता है 10,000 की रेंज रख लो, 20,000 की रेंज रख लो, कितनी की भी रेंज रखोगे वो आपकी कॉन्स्टेंट ही रेंज रहेगी। इस बार हम ऐसा नहीं करेंगे, अपनी रेंज को बढ़ाते आएंगे, हर बार दुगना बढ़ाते आएंगे, और दुगना बढ़ाते बढ़ाते ना आप बहुत ही जल्दी मतलब अपनी प्रॉब्लम को छोटा करते आओगे, और लॉग इन के अंदर आपके देखोगे आपकी प्रॉब्लम छोटी होती जाएगी। अगर आपको देखना है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, अगर आपको समझना है अच्छे से, तो एक बहुत छोटी सी वीडियो है टेडएक्स की, जरा वो देखना, उसके अंदर उन्होंने बता रखा है कि पेपर को आपको कितनी बार फोल्ड करना है एक पेपर को, सो दैट आप कितने फोल्ड्स में मून तक पहुंच जाओगे। जरा सोच के देखो कि कितने फोल्ड करोगे आप मून तक पहुंच जाओगे, ये नंबर आपको सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, ठीक है। तो वाली वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, देख लेना। तो यहाँ पर हम वही एक्सपोनेंशियल का ही फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि अगर हम एक्सपोनेंशियल आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बिग ऑफ एन से छोटी होकर लॉग एन में हो जाएगी। कैसे होगी जरा देखते हैं। पहले हम सिर्फ एक रेंज रखेंगे, ठीक है, रेंज हमारी होगी 1 से स्टार्ट होगी रेंज, ठीक है, रेंज हम रखते हैं पहले 1, उसके बाद हम रेंज को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, रेंज हो जाएगी 2, उसके बाद अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो हो जाएगी 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, कर देंगे 16, ऐसे करते 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 मतलब 2 raised to power k, इस तरीके से आपकी रेंज बढ़ती रहेगी हर बार। कैसे बोल रहा हूँ मैं, पहले आपने रेंज रखी 1, तो आपने सिर्फ 0 से लेकर 1 तक के बीच में चेक किया, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक के बीच में कि यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। उसके बाद आपने अपनी रेंज को थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है, अब आपने रेंज रख दी 2 की, तो आप सिर्फ एक आगे नहीं बढ़ोगे, आप मल्टीप्लाई बाय 2 करके आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो पहले आप अगर 1 पे थे तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब आप यहाँ पर आ गए, और अब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करोगे आपका एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। आपका पता है आपका एलिमेंट प्रेजेंट नहीं, क्योंकि ये वाला जो राइट वाला इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी छोटा है, तो इधर तो प्रेजेंट होगा ही नहीं क्योंकि सॉर्टेड एरिया। तो आप अपनी रेंज को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से अगेन, तो अब आप 4 पर पहुंच जाओगे, ठीक है, तो 2 से डायरेक्टली आप 4 पर पहुंच जाओगे। आप इस रेंज में चेक करोगे तो आपको पता है यहाँ पर 12 है, 12 भी छोटा है अपनी 58 से, तो यहाँ भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो अगली बार हम 4 से पहुंच जाएंगे डायरेक्टली 8 पर, ठीक है, तो हम यहाँ से 8th इंडेक्स पर पहुंच जाएंगे, और 8th इंडेक्स वाला नंबर ऑब्वियसली बड़ा ही होगा, ठीक है, 72 है इसके बाद, तो 8th इंडेक्स वाला सपोज करो नंबर है 96, ऐसा कुछ है। तो हमें अब मिल गया एक एलिमेंट जो कि हमारी की से बड़ा है, तो अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में अपना सर्च कर सकते हैं इजीली, और हमें अपना एलिमेंट मिल जाएगा। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में सर्च करना है, तो अगेन वही लॉग इन के अंदर हम सर्च कर सकते हैं, राइट। तो हमने लॉग इन के अंदर अपना एलिमेंट ढूंढने का ट्राई किया, और लॉग इन के अंदर ही हमने उसे बाइनरी सर्च भी लगा दी। तो एक बार जरा मैं इसका कोड करता हूँ आपको, फिर उसके बाद समझाता हूँ ठीक से किस तरीके से काम कर रहा है, आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोड कर दिया, सर्च इन्फाइनाइट करके मैंने फंक्शन बनाया, ये वाला फंक्शन आपका एक इन्फाइनाइट एरे ए के अंदर की एलिमेंट फाइंड करने का ट्राई करता है। तो अब यहाँ पे लो मैंने लिया है 0, हाई मैंने लिया है 1, तो आप यहाँ पे ये मत करना कि हाई इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ, क्योंकि इंटरव्यूअर ये आपको करने नहीं देगा, और कंपाइलर तो आपको टीएल ही दे देगा, ठीक है। तो लो हमने लिया 0, हाई लिया हमने 1, और अगेन हम अपना वही वाला फंडा लगाने वाले हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला। कैसे, जब तक हमें लग रहा है कि ये जो हाई वाला एलिमेंट है की से छोटा है, तब तक हम अपना आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है, और लो हो जाएगा हमारा हाई, और हाई हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय हाई। तो हम अपनी रेंज को धीरे धीरे करके आगे बढ़ाते आ रहे हैं, अपनी रेंज को भी लंबा करते आ रहे हैं, और अपनी लो और हाई को भी आगे बढ़ाते आ रहे हैं। कैसे, जरा यहाँ पर देखते हैं, अगेन 58 के लिए चेक करते हैं, ठीक है, 58 के लिए की हमारी 58 है, तो लो होगा हमारा 0, हाई होगा हमारा 1, तो लो होगा हमारा 0, हाई होगा हमारा 1, तो 0 और 1 हम चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है एलिमेंट। तो क्या, वाइल ए ऑफ हाई इज़ लेस देन की, तो ए ऑफ हाई आ रहा है हमारा 3 विच इज़ लेस देन की, राइट। तो इसका मतलब ये हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इस लो से हाई के बीच में तो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, करंट लो और करंट हाई के बीच में एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब आगे बढ़ाते हैं अपनी हाई को, ठीक है, तो हाई को आगे बढ़ाने से पहले लो को बोलेंगे कि लो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और हाई को शिफ्ट कर देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय हाई, ठीक है, तो हाई पहले था 1, अब हाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाई, तो लो तो हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि लो इक्वल्स टू हाई है, और हाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाई, तो पहले 1 था तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 2। तो अब हमारी रेंज थी, पहले हमारी रेंज थी 0 से लेकर 1, अब हमारी रेंज हो चुकी है 1 से लेकर 2, तो वाइल ए ऑफ हाई इज़ लेस देन की, तो क्या 7 छोटा है 58 से, हाँ छोटा है, तो अंदर आओ, लो हो जाएगा अगेन हमारा हाई के इक्वल, तो लो पहले 1 था, अब लो हो जाएगा 2 क्योंकि हाई 2 है, और हाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाई, पहले हाई था 2, अब हाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ 4, तो हाई हो जाएगा हमारा 4। तो पहले रेंज थी यहाँ से यहाँ तक 1 से लेकर 2 तक, अब हमारी रेंज हो चुकी है 2 से लेकर 4 तक, ठीक है, अब हमारी रेंज यहाँ से यहाँ तक हो चुकी है। हम दोबारा से चेक करेंगे 12 के साथ कि वाइल ए ऑफ हाई इज़ लेस देन की, ठीक है, तो क्या 12 छोटा है 58 से, हाँ 12 छोटा है 58 से, तो लो को हम बढ़ा देंगे आगे, ठीक है, कि यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, आगे हो सकता है प्रेजेंट हो, तो लो हो जाएगा हाई, और हाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाई, तो हाई हो जाएगा 8। तो अब यहाँ पर आ गया हमारा लो, और हाई हो जाएगा हमारा 8, मतलब हाई आ गया यहाँ पर इस एलिमेंट पर। अब हमारा हाई यहाँ पर आ गया, हम चेक करें क्या ए ऑफ हाई इज़ लेस देन की,
तो भाई 96 है, 96 इज नॉट लेस देन 58. इसका मतलब हमें पता चल चुका है कि हमारा जो एलिमेंट है वो इस लो से इस हाई के बीच में प्रेजेंट है, राइट. इस लो से इस हाई के बीच में हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें ये पता चल चुका है. अब हमें ये पता चल चुका है तो इसके अंदर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल बाइनरी सर्च वाला फंक्शन कॉल किया, ठीक है. ये नॉर्मल बाइनरी सर्च है, ये सर्च इन्फाइनाइट है, ये नॉर्मल बाइनरी सर्च वाला फंक्शन है जिसके अंदर आप एरे पास करते हो, की पास कर सकते हो, लो और हाई. ये वाला लो पास करोगे, ये वाला हाई पास करोगे, वो अपना इस एरे के अंदर इस लो से हाई के बीच में सर्च करके बता देगा 58 प्रेजेंट है कि नहीं. अगर 58 प्रेजेंट होगा तो वो बता देगा, क्योंकि यहाँ पे 58 प्रेजेंट है तो ये इंडेक्स रिटर्न कर देगा 5 और ये फंक्शन 5 रिटर्न कर देगा. अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये वाला फंक्शन -1 रिटर्न करेगा और यहाँ से -1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है. तो ये वो फंड है. तो अच्छा, आप बात कर लेते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन कैसे आ रही है. तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉगिन अगर आपको देखना है तो यहाँ पर ये रहा हमारा फंक्शन. हमें इतना तो पता है कि ये जो बाइनरी सर्च वाला फंक्शन है ये तो लॉगिन के अंदर काम कर रहा है, राइट. लो से लेकर हाई के बीच में ये अपना लॉगिन के अंदर काम कर रहा है. अब हमें बस ये देखना है कि ये वाला जो वाइल लूप है क्या ये लॉगिन के अंदर चल रहा है. देख के तो लग रहा है ये लीनियरली चल रहा है, लेकिन लीनियर नहीं चल रहा है. ये आप ये देख रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये लॉगिन में चल रहा है. कैसे चल रहा है? तो आपको उस रेंज तक पहुँचना है, उस लो और हाई तक पहुँचना है जहाँ पर हो सकता है एलिमेंट प्रेजेंट हो, ठीक है. सपोज करो आपका हो सकता है एलिमेंट जो प्रेजेंट है वो किसी आई इंडेक्स पे है, ठीक है. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ हो सकता है, क्योंकि हो सकता है एलिमेंट प्रेजेंट ना भी हो उसके अंदर. तो आई इंडेक्स को पता करने के लिए आपको कितनी इटरेशन करनी पड़ रही है? आई इंडेक्स को पता करने के लिए आपको एटमोस्ट लॉग आई इटरेशन करनी पड़ रही है. लॉग आई कैसे करनी पड़ रही है? क्योंकि आप हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो. इसको अगर आपको नंबर्स में समझना है तो कैसे समझ सकते हो? सपोज करो आपको आपका जो नंबर है वो 1600वीं पोजीशन पर होता, अगर होता तो ठीक है, 1600वीं पोजीशन पर होता. इस 1600वीं पोजीशन पर आप कैसे पहुँच सकते हो? आप 2 मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, 2 की पावर में आगे बढ़ रहे हो. तो 2 की पावर 11 हम करेंगे तो 2 की पावर 11 होता है आपका 2048, 2 की पावर 10 होता है आपका 1024. 1600 जो है वो आपका 1024 से 2048 के बीच में आता है. तो 2 की पावर 11 मतलब सिर्फ 11 इटरेशन करके ही आप इस इंडेक्स से पहुंच जा रहे हो, राइट. तो लॉग आई में ही आप पहुंच रहे हो. अगर आपकी ये 1600वीं पोजीशन आपकी आई है तो लॉग 1600 आपका आएगा अराउंड कुछ 10 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर आप देख रहे हो सिर्फ 11 इटरेशन करके ही आप उस पोजीशन पर पहुंच जा रहे हो. तो ये भी ऑपरेशन जो हो रहा है आपका वो लॉग आई के अंदर हो रहा है. तो ये वाला जो वाइल लूप आपको समझ में आ गया, इसलिए आपका ये वाइल लूप जो है वो लॉग एन इटरेशन के अंदर चलेगा. वर्स्ट केस के अंदर भी आपका लॉग एन इटरेशन चलेगा जहाँ पर जो एन है वो पोजीशन है जहाँ पर वो एलिमेंट प्रेजेंट होता अगर होता तो, ठीक है. और उसके बाद तो आप बाइनरी सर्च लगा रहे हो, वो बाइनरी सर्च आप लो से हाई के बीच में लगा रहे हो, तो आप लॉग एन प्लस लॉग एन कर सकते हो, ठीक है. बिग ऑफ लॉग एन प्लस बिग ऑफ लॉग एन, वो अगेन बिग ऑफ लॉग एन ही होता है, ठीक है. तो इसीलिए इस प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इस सॉल्यूशन से लॉग एन आती है, ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. अगर आपको समझ में नहीं आया किस तरीके से हो रहा तो एक बार कमेंट में जरूर बताना, वहाँ पे कमेंट में हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. इसी के साथ ही यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर रहे होंगे बाइनरी सर्च के अंदर. ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. चलते हैं, बाय बाय.